रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। हमको बलपूर्वक उसको आजाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद कश्मीर में हो रहे विकास को देखने के बाद भारत में होना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं, जिससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति बदल रही है, लोगों के बीच में शांति लौट रही है। ये सब देखकर पीओके के लोग खुद कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा वो फारूक अब्दुल्ला को रास नहीं आया, पसंद नहीं आया। फारूक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीओके पर हमला करने की चुनौती दे दी है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं, ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस क्या है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। देश के अंदर वोट के खातिर भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो। फारूक साहब, आप भुला गए करगिल युद्ध अभी अभी हुआ है? भुला गए 71 का युद्ध? भुला गए करगिल युद्ध? भुला गए? भुलाए नहीं। जब से मोदी सरकार आया है आपके आतंकी मारे जा रहे हैं, इसीलिए आपको दर्द है।